गुड मॉर्निंग सर, आपका पहला क्वेश्चन पैनल कब चढ़ेगा? दरअसल ये अपनी जो अपनी ये साइट पे ऊपर जो आपका वर्क हो रहा है ऐड देखने का, ये अपने ये रियल ऐड नहीं, अपना साइट नहीं है, रियल अपना वो नहीं है, इसमें अपनी एप्लीकेशन आ रही है, उसमें बीच में वो सब कुछ होगा, उसी में ही पैनल चढ़ेगा। उम्मीद करते हैं कि ये आपको दिसंबर में किसी भी वक्त हो सकता है सर, नेक्स्ट मंथ में। वैसे कंपनी ने बताया इस लास्ट मंथ तक हम करवा देंगे, पर हम फिर भी नेक्स्ट दिसंबर तक मानते हैं, दिसंबर तक आपका पैनल आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। अभी कुछ लोगों का आधार कार्ड का या फोटो का जो भी प्रॉब्लम है अनकंडीशनल है, तो उसको ईमेल किए है, उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है। नहीं, आधार कार्ड का कोई प्रॉब्लम है तो कंपनी ने दूसरे भी तो ऑप्शन दिए हुए हैं, आपका बैंक का फोटो वो लगा लो, उसके ऊपर फोटो लगी होनी चाहिए बैंक वाला, वो बहुत इजी है, आपका वोटर कार्ड है, बैंक की कॉपी लगा सकते हो, आधार कार्ड लगा सकते हो, पैन कार्ड लगा सकते हो, अपना और भी जो आपके अदर जितने डॉक्यूमेंट है जिनके ऊपर आपका फोटो और आधार अपना एड्रेस है घर का, कोई भी लगाकर लाइसेंस अपना करा सकते लाइसेंस हो। वोटर का सर, लाइसेंस वोटर कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड, पांच जो हमारे नेशनल आईडी है वो लग सकते हैं। इसके साथ में एक सपोर्टिव जो है आपका जो पासबुक होगी, जो उसके ऊपर में आपने क्या करना है, अगर किसी का पासबुक के ऊपर फोटो लग के नहीं लगी हुई तो बैंक में जाइए, वहां पे उसको बोलिए कि मेरी फोटो लगा दो इसके ऊपर में। एक फोटो साथ में ले जाएंगे, वो फोटो लगा के ऊपर में स्टैंप मार देंगे, साइन कर देंगे, वो भी ऑथेंटिकेट होता है कि आप वहां पे आपका अकाउंट है और आपका आईडी ये बन जाता है, उससे भी आप अपनी केवाईसी करा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर सर। जी उनका के हेलो उनका अभी ड्यूरेशन दिनेश शर्मा जी उस दिन बताए थे, दिनेश हेलो, शर्मा वन जी उस दिन बताए थे 15 नवंबर से, बाय वन, वन और हाँ रुकिए सर मैं बता रहा हूँ, 15 नवंबर से 15 जनवरी तक बंद क्यों रहेगा? दिनेश सर बताइए। 15 दिसंबर से क्या होता है कि वहां पर ना यूरोपियन कंट्रियों में अपना क्रिसमस डे मनाते हैं, उसकी छुट्टियां होती हैं, 25 तारीख को ये क्रिसमस डे होता है, उसका बहुत उत्साह से मनाते हैं वो, सर 15 दिसंबर से सर लेकर, ऐसे है जैसे हम दिवाली मनाते हैं ना, तो अंग्रेज लोग हाँ क्रिसमस मनाते दिवाली का हैं, तो ये हम एक दो दिन समझिए। पहले मनाते हैं, ये वहां पर क्रिसमस डे की छुट्टियां होती हैं, जो कि 15 15 तारीख से वो अपनी छुट्टियां लेते हैं, पर अपनी अपना स्टाफ प्रॉपर छुट्टी पे नहीं जा रहा, वो 50% जाते हैं, 50% लोग अपना काम पे फिर भी आते हैं, छुट्टी वाले दिन भी काम होगा पर उस लिहाज से नहीं होगा जिस लिहाज से काम होता है, ये क्रिसमस की छुट्टियां जो कि 15 जनवरी तक चलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। ओके अबे आधार कंपनी कार्ड सर जो चालू मतलब रहेगी, जो इंडिया कंपनी डेबिट कार्ड, सर 15 15 20 दिन जितना भी दिन हो छुट्टी मनाएंगे, हमारी वेबसाइट चलती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन जो अपडेशन है, जो बाकी काम है, वो नहीं होंगे, क्योंकि सभी लोग जो है वहां पे छुट्टियां मनाते हैं, इसलिए और कोई बात नहीं। थैंक यू। जैसा आपने 100 रुपए विड्रॉल कर सकते हैं, जो अपनी कंपनी जो डेबिट कार्ड जो देने वाली है उसका लिमिट कितना रहेगा? ये अकॉर्डिंग टू बैंक होता है सर, जैसे अपना अपना यहाँ पर आपका जैसे अपना इंडिया में अपना ये बढ़ाते हैं हम अपनी पेमेंट लेने वाली वो बढ़ाते हैं ना सर, तो वो बैंक में बढ़ जाती है, मेरे हिसाब से ज़्यादा नहीं तो 5 लाख को होनी चाहिए। सर वो डिपेंड करता है, सर वो डिपेंड करता है वो आपका अकाउंट की जो लिमिट, यानी कि वो करते हैं वैल्यू बोल सकते हैं। जैसे हमारे अकाउंट के अंदर में भी हम एटीएम से जाएंगे, 10,000 एक बार निकलवा सकते हैं, तो वहां से भी कुछ ना कुछ ऐसे ही कुछ ना कुछ हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी, कितना पैसा हम निकलवा सकते हैं डॉलर के रूप में, यूरो के रूप में। ओके जैसे कि 5 तारीख को न्यूज लेटर आने वाला था, अभी तक आया क्यों नहीं? वो कल भी बताया था, आज चलो दोबारा से बताते हैं, जैसे भी कंपनी का होता है वो अपने आप में न्यूज़लेटर देती है, वर्किंग चल रही है, वर्किंग पूरी होने बाद ही आपको न्यूज़लेटर आएगा, आ जाएगा, आज कल में होना चाहिए। नेक्स्ट सर। नेक्स्ट अपने यहाँ में प्रॉब्लम आ रहे हैं, यहाँ का गेटवे गेट अर्निंग का बटन खुल रहा नहीं है, और मतलब उसको ये नहीं हो रहा, गेट अर्निंग को जो ऐड देखने के बाद में क्लिक करते हैं ना गेट अर्निंग, उसका वर्किंग प्रॉब्लम आ रहा वर्किंग चल रही है सर, वर्किंग चल रही है, ऐड आनी चाहिए, ऐड आपकी आ रही है तो आपकी आईडी बिल्कुल सही है, वो कंपनी के सॉफ्टवेयर की बात है, वो अपने आप कर।
रहेगा, उसकी टेंशन ना लें सर, आ जाएगा आपका वो। नेक्स्ट सर, जो ऑफर ऑफर जाकॉइन के जो आने वाले थे उसका क्या हुआ? उसका अभी भी जाकॉइन जॉइन का किसी का भी जो नहीं आ रहा, जाकॉइन किसी का भी नहीं आ रहा सर, किसी किसी का आ रहा है, बाकी ये बाद में आएंगे सर, ये दिसंबर के बाद में आपका क्लियर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट सर, और जो भी हमने पैकेज लिए है उसका इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा कितने पैकेज लिए है, कोई डबल एक पैकेज लिया है, कोई दो पैकेज लिया है, उसका अपने को श्योर नहीं हो रहा है। कहाँ पर शो नहीं हो रहा सर, ये पूछना था आपने। चलो बता अपने देता अपने आईडी में हूँ, अपने एक्टिवेशन पे जाओगे तो वहां पर लिखा आता है माय स्पॉन्सर पर्सन कितने हैं, वहां पर ही शो होगा। जब वो आपको मिल जाएंगे, जब वो कंपनी ने आपको दे देने हैं, तो आपका प्रोफेशनल इनकम जो एक साल का है वहां पर जाकर ऐड हो जाएंगे, उसकी कोई माई टीम में नहीं दिखेगा वो कोई भी, क्योंकि वो एक्चुअली आपकी टीम नहीं है, वो कंपनी की तरफ से आई होगी, उसका कोई नाम ईमेल आईडी कुछ नहीं आएगा। वो आपका जो सालाना जो अपने को यहाँ पर मिलता है एक साल का पूरा, उसमें जाकर ऐड हो जाएंगे। आपने 300 यूरो का लिया होगा तो टोटल टीम का आपका 2500 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपने जितने पर्सन लिए हैं नंबर ऑफ पर्सन के हिसाब से आपका सालाना में जुड़ जाएगा, एक साल का आपका हो जाएगा, टीम में शो नहीं करेगा। नेक्स्ट पर्सन सर, नेक्स्ट पर्सन सर, कंपनी कब तक चालू होने का अंदाजा है? चल तो रही है शहीद सर, चल तो रही है, पर इतना कि ऐड आने की बात है, ऐड तो इसका आपको जवाब बताया किस हुआ है। हाँ हाँ, जाए फरवरी तक मान के चलो, फरवरी तक आपको ऐड आ जाएगी, आपको सारी नहीं आएगी, वैसे जितना भी थोड़ा सा जनवरी में थोड़ा सा फरवरी में आ जाएगा, पूरा हो जाएगा आपका। कंपनी अपने को टर्म्स और कंडीशन देती है, इतना करना है, ऐसा करना है, कंपनी के लिए क्यों टर्म्स और कंडीशन लागू नहीं? कंपनी ने ये अपना सवाल सुन के मुझे भी थोड़ा हाँ हाँ, ये काफी लोगों का क्वेश्चन नया आया है, ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं सुना किसी से भी। कंपनी की भी टर्म एंड कंडीशन है, पर कंपनी ने जो आपको देना है वो आपको न्यूज लेटर के माध्यम से बताती है। कंपनी का जो भी वर्क होता है वो अपना धीरे धीरे करके अपना एडवांस में चलती हुई आ रही है, आज भी कंपनी काम कर रही है। कंपनी की टर्म एंड कंडीशन यही है कि आपसे जो 10 यूरो लिए जाते हैं उसके बाद में कोई पैसा नहीं लेती, ये कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है। दोबारा से कभी पैसा नहीं मांगेगी आपसे, जो आपने यहाँ पर 5 यूरो देती हो, बाकी जो अमाउंट बनती है केवाईसी की वो कंपनी ने पे की है, वो भी कंपनी की टर्म एंड कंडीशन में आती है। बाकी वर्किंग की जो बात है, वर्किंग की बात आप लोगों को अपडेट देना, वो कंपनी की टर्म एंड कंडीशन है, वो आपको 15 दिन में, 10 दिन में, हफ्ते में, वो आपको न्यूज लेटर के माध्यम से बताती है। कंपनी के टर्म एंड कंडीशन कंपनी ने सारे अपने सारा काम आपको करके देना है, दोबारा कोई अमाउंट नहीं मांगेगी, कोई एडमिन चार्ज नहीं मांगेगी, ये भी कंपनी का है, तो वो कंपनी कभी भी नहीं मांगती आपसे। रही बात वर्किंग की, वर्किंग जैसे जैसे होती है आपको लोगों को ईगाह किया जाता है, बताया जाता है कि काम कितना हो गया है, कौन कौन सी जगह पे होगा, वो कंपनी न्यूज लेटर के माध्यम से आपको बताती हुई आगे बढ़ रही है। ओके सर, अभी मैंने कहीं कॉल किया, मैंने कॉल करके उसको पूछा कि जाल अस्टल में मुझे जुड़ना है, तो उन्होंने बोलते हैं कि मैं जाल अस्टल में जुड़ गया हूँ लेकिन केवाईसी नहीं किया हूँ। अब आप फोन किए तो अच्छा है कि वो उस मैडम का सवाल है, उनको हम जोड़ सकते क्या? जोड़ सकते हो अलग से एक ईमेल आईडी उनकी लेकर, उनकी अलग से एक ईमेल आईडी लेकर, मोबाइल नंबर सेम, नाम सेम, सबको सेम, पर अलग से ईमेल आईडी लेकर जोड़ सकते हो, केवाईसी कर सकते हो उनकी। ओके यस सर, मैडम सुन रहे। और कंपनी का जो पैकेज जो थे, जो ओल्ड पैकेज, अभी चालू है क्या बंद हो गए? नहीं पैकेज ऐड भी जो अपने स्पॉन्सर पैक थे वो बंद है, ये कम्बो पैक चल रहे हैं, वो आप ले सकते हो। यहाँ का प्रॉब्लम कब तक क्लियर हो जाएगा? लोगों को मतलब उनकी टीम में लोगों को ऐड दिख रहे नहीं है और ओपन भी बराबर सही से हो रहा नहीं। ये कंपनी ने, ईहा ने अपनी तरफ से एक न्यूज़ लेटर का चालू किया हुआ।